अजमेर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर चोरी का प्रयास करने वाले एक आरोपी को जीआरपी थाना पुलिस ने देर रात को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिकायत बैंक प्रबंधन द्वारा जीआरपी थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस संबंध में अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शनिवार रात्रि गश्त के दौरान रेलवे परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम का सायरन बज गया। इसी दौरान एक बदमाश को मौके से ही पकड़ लिया गया और उसे थाने लाया गया। सुबह इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य माध्यम से आरोपी की पहचान की और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी कल्याणपुरा निवासी ओम प्रकाश गुर्जर है, जिससे इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ पहले कोई मुकदमे है या नहीं, इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस से जानकारी ली गई है, जो जल्द ही सामने आएगी। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जी सर, क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया? अपराधों की रोकथाम के संबंध में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज हमने देर रात्रि अपने जो रेलवे परिसर के अंदर पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम है, उसमें एक व्यक्ति ने घुस करके और चोरी का प्रयास किया था, जिस पर सायरन बजने लग गया था। सायरन बजने पर हमारे जाब्ते ने उसे तुरंत पकड़ लिया था, लेकिन सुबह पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर श्री कैलाश प्रसाद मीणा द्वारा FIR देने पर व CCTV फुटेज प्रस्तुत करने पर इसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम ओम प्रकाश गुर्जर सनोप शंकर जी, जाति गुर्जर है, उम्र 23 साल है, रहने वाला ये कल्याणीपुरा का है, पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर का ही रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया है। कल इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी अलवर गेट को हमने सूचना दी है, अभी वहाँ से कोई प्राप्त नहीं हुई सूचना, देखते क्या है।